लॉकडाउन में ढील मिलते जहां खरीदी करने लोग घर से निकल रहे हैं, तो वही शराब की दुकानों पर भी भीड़ देखी जा रही है, जिसको लेकर पन्ना कलेक्टर के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम भी लगातार भ्रमण कर दुकानें चेक कर रही है और सोशल डिस्टेंस बनाए रहने के लिए ग्राहक एवं दुकानदार को हिदायत दे रहे हैं, जिसमें आज अमानगंज दुकान पर आबकारी विभाग निरीक्षक मुकेश पांडे द्वारा अमानगंज का भ्रमण कर देसी एवं विदेशी दुकानों पर निरीक्षण किया। साथ ही हिदायत दी गई कि लोगों को डिस्टेंस का ध्यान रखने के लिए बोले एवं दुकान 8:30 बजे से 7 तक सी खोलें। वहीं मुकेश पांडे ने बताया कि हम लोग लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही। साथ ही हमारी नजर उन लोगों पर जिनकी शिकायत आ रही कि अवैध रूप से गांव स्तर पर शराब की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिनको रगे हाथ पकड़कर कार्यवाही की जाए। संवाददाता पन्ना से संतोष चौबे। तो मदिरा दुकानों का निरीक्षण करके शासन के जो निर्देश हैं उनका पालन करवाया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जा रही है, दुकानों के बाहर साबुन से हाथ और हैंडवाश से हाथ धोने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनका जो है स्टाफ निरीक्षण किया जा रहा, यही सभी प्रक्रियाएं जो शासन के निर्देश अनुसार उनका पालन कराया जा रहा। सर, कुछ दुकानें बंद हैं मानगंज में, और क्या वजह से? कुछ ठेकेदार जो हाईकोर्ट गए थे अपनी कुछ समस्याएं लेके, तो आज माननीय हाईकोर्ट के निर्देश आ गए हैं और दुकानें खुल गई हैं। अब पन्ना जिले में लगभग सभी दुकानें खुली हुई हैं। अगर सर निर्देशों की अवहेलना की जाएगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ओके सर, धन्यवाद। थोड़ी हर जगह फ्लो है।